नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग. दिस इज प्रदीप भंडारी जॉइनिंग यू लाइव आफ्टर 15 डेज. यस, यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्यों हम आज लाइव कर रहे हैं, क्यों हमने एक काफी बड़ा अंतराल दिया हमारे एक लाइव टेलीविजन एक डिजिटल डिस्कशन में. मैं अपने व्यूअर्स को जो पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, दिस इज अ वेरी इनोवेटिव मॉडल ऑफ यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ट्राइंग टू गेट व्यूअर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब इन एंड पार्टिसिपेट इन द डिबेट. हमने इसके पहले 3 डिबेट्स किए हैं और हमको करीबन 1 लाख की मिनिमम व्यूअरशिप मिली है और हमारी हाईएस्ट व्यूअरशिप 10 लाख हुई है. हमने हर डिबेट के अंदर मिनिमम 25 क्वेश्चंस एड्रेस किए और मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस एड्रेस किए हैं. और इसी कड़ी के अंदर जो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो हिंदुस्तान का हर नागरिक एटलीस्ट इसके बारे में उसे पता है, किसके लिए वो गुगली है, किसी के लिए वो एक ऐसी बॉल है जिसपे वो सिक्स लगा सकता है, पर ये बॉल एक जरूर है अगर क्रिकेट फील्ड की मैं बात करूं. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी. ऐसी मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं जीएसटी के अंदर. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफी खुश हैं क्योंकि जीएसटी के बाद उनके फोन 24 घंटे रिंग होते हैं. तो मैंने सोचा कि इस डिस्कशन में क्यों नहीं मैं हिंदुस्तान के एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्सेशन लॉयर्स को ही इस पैनल पे बैठाऊं और उनसे बातचीत करूं, क्योंकि एक आम आदमी का चैनल है, क्योंकि ये जन की बात है. इसीलिए मैंने सोचा कि जन की बात की टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फोन है, जो एक इसमें एक काफी अच्छा 41 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे मैं लोगों को जोड़ूं. और जिस तरीके से आपने पिछले एक हफ्ते में मुझे करीबन 50 से 55 क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को जितने बेसिक हो और जितने टफ हो उनको अपने पैनलिस्ट से पूछो. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू जन की बात डिस्कशन ऑन आर यू जीएसटी रेडी, इज दिस कंट्री जीएसटी रेडी. इवन इफ इट इज नॉट, वी विल बी गोइंग अप विद जीएसटी on the stroke of midnight hour. And I remember B.R. Ambedkar saying, or sorry, Jawaharlal Nehru saying that, this famous speech where he says that on the stroke of midnight hour, the independence speech which he made. So people are saying that this is an independence in the direction of indirect taxation. Well, this is true or not? Let's try to find out. I'm very, very fortunate to have with me a very eminent panel of experts. I'm fortunate towards my right, I have Mr. Tilak Channa. He's been the GST advisor to Haryana government and he's an eminent taxation expert, a chartered accountant who is 24/7 busy on GST. Thank you so much, sir, myself junne ke liye. Myself jud rahe hai Mr. Khurana. He's also an eminent taxation expert. Well, he has a lot of knowledge in direct tax also. He's also started to venture into indirect tax. Thank you so much for my side joining ke liye. Mere left mein Alok ji mere sath jud rahe hain. Alok ji ne kafi kitabein likhi hain VAT ke upar aur ab VAT aur he is an taxation expert himself and indirect taxation expert himself aur hum inse bilkul baat cheet karenge aam aadmi ki bhasha mein कि किस तरीके से आम आदमी की जिंदगी में जीएसटी से बदलाव हो सकता है. और मेरे साथ जुड़ रही हैं गरिमा जी. गरिमा जी एक टैक्सेशन लॉयर हैं, इनको करीबन 10 साल से ज्यादा हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मेरा पहला सवाल, व्हाट आई विल बेसिकली डू इन दिस डिस्कशन इज आई विल ट्राई टू आस्क अ लॉट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चंस टू यू मिस्टर तिलक चांदना एंड देन अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू पीपल एंड देन आई विल towards the second part of my discussion, I will take the specific questions from my viewers. That is how I'll go forward to it. मैं चाहूंगा तिलक जी, मेरा पहला सवाल आपसे आता है. प्रदीप जी, आप मुझसे पहले सवाल करें, मैं अपने श्रोताओं को और सभी दर्शकों को अपनी तरफ से, अपने सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से जो है शुभ संध्या कहना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ. और मैं जन की बात के जो हमारे संस्थापक हैं, जो एडिटर हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको अवसर दिया कि हम आम जनता से जी. एक एक्सपर्ट के नाते इस बहुत महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म देश में जी. एक क्रांति हो रही है उसके बारे में जी. आप लोगों से कुछ चर्चा करें, कुछ बात करें जी. कुछ आपके विचार सुने, कुछ अपने विचार दें और संभव हो सके तो आपकी जो शंकाएं हैं, जो आपकी इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने का प्रयत्न करें. जरूर, मैं चाहूंगा सबको मैं एक ओपनिंग कमेंट का मौका दूंगा जैसे क्वेश्चन के जरिए, देन पीपल कैन इंटरजेक्ट फॉर श्योर. तो मेरा पहला क्वेश्चन तिलक जी आपसे ये है कि मिंट की मैं खबर पढ़ रहा हूँ, गेम चेंजर फॉर द इंडियन इकोनॉमी. अगर ये गेम चेंजर है इंडियन इकोनॉमी के लिए तिलक जी, तो क्यों ऐसा है कि आज जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसमें इतना भय का वातावरण है? वो कह रहे हैं कि हम अब भाजपा को वापस से वोट नहीं करेंगे, हमारा तो पहले से ही मार्केट डाउन था डिमोनेटाइजेशन के बाद में, और अब आप जीएसटी ले आए. अगर ये इतना गेम चेंजर है तो क्यों ये भय है तिलक जी? क्या सरकार अपनी बात ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाई है? क्यों ये वातावरण है? प्रदीप जी, जो
मेरी दृष्टि में जो जो ये इशू है, जो ट्रेडर्स में जो भय का वातावरण बना हुआ है, मैं इसको इस रूप में देखना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स को अभी तक जो एक्सपोजर था, जिस विषय की उनको अच्छी तरह से जानकारी थी, वो वैल्यू एडेड टैक्स में उन लोगों ने पिछले जब से ये वैट पूरे देश भर में लागू हुआ, वैट पर उनकी समझ जो है वो काफी अच्छी हो चुकी है। जब हमने सेल्स टैक्स से वैट में जो है परिवर्तन किया, तब भी सब सब भय का वातावरण तब भी था जी। वैसा ही एक फियर ऑफ अननोन जो है जी, जिसको अभी हमने देखा नहीं, उसके बारे में जो भय है, वो सबसे ज्यादा ट्रेडर को इसीलिए सता रहा है क्योंकि ट्रेडर्स ने कभी भी सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स का के बारे में उनकी जानकारी बहुत न्यूनतम थी, लगभग ना के बराबर थी। और सर्विस टैक्स और जो एक्साइज टैक्स है वो मुख्य रूप से वैट के साथ मिलकर जीएसटी को बनाता है, क्योंकि तीन में से दो एक्ट के बारे में उनकी जानकारी, उनकी समझ न्यूनतम थी। इसीलिए जो फियर ऑफ अननोन है वो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स। सो यू आर जस्ट सेइंग दैट इट्स द फियर ऑफ अननोन, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इज व्हाट यू आर सेइंग, एंड देयर विल नॉट बी अ बिग लाइक यू नो इन दिस आई वुड से अ नेगेटिव डिस्ट्रक्शन टू द ट्रेडर कम्युनिटी। नो, आई वुड नॉट से, आई वुड पुट इट लिटिल डिफरेंट। ओके, आई वुड पुट इट लिटिल डिफरेंट। या उनके लिए जो डिस्ट्रक्शन है उनको भी तैयारी की आवश्यकता है जी। और सरकार और जो 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 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको भी ये अवेयरनेस जो है कम्युनिकेट, उनको इसकी जो कठिनाइयां हैं उनका मिनिमम सामना करना, पर कठिनाई होगी या कठिनाई होगी, होगी या निश्चित रूप से होगी, क्योंकि उनकी उनको अपने उनके पास जो है अपने रिसोर्सेज लिमिटेड है, साधन लिमिटेड है। एक क्वेश्चन तिलक जी, रोकना चाहूंगा, एक क्वेश्चन हमें एक व्यूअर से आया है और मैं ये क्वेश्चन आलोक जी आपको एड्रेस करूंगा। इनफैक्ट चार क्वेश्चन आ चुके हैं। मेरा पहला सवाल ये है, ये थोड़ा पॉलिटिकल, हाँ ये रजनी जी ने पूछा है कि इफ गेट आने वाले टाइम में 3-4-6 महीने में सबको आदतें पड़ जाएगी जी और ये सारी चीजें नॉर्मल लगने लगेगी। एक और क्वेश्चन, मैं थैंक यू सो मच आलोक जी, एक और क्वेश्चन मेरे व्यूअर से आया है, मैं गरिमा जी आपसे पूछना चाहूंगा, मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन तिलक जी आपसे लूंगा, पर कांग्रेस क्यों बॉयकॉट कर रही है, ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा गरिमा जी आप अगर इसका आंसर करना है, कोई पैनल इसको चूज, कांग्रेस इसको बॉयकॉट क्यों कर रही है, ये मेरा सवाल है। नहीं, तो नहीं, पर मैं जनरली पूछ रहा हूँ, कुछ मेरिट है इसको बॉयकॉट करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली जीएसटी जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 2007 से स्टार्ट हुआ है, इसकी एक्चुअल जर्नी जी, बट इसको कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट, यहाँ पे कांग्रेस ही लाया था, इंट्रोड्यूस कांग्रेस ने किया था जी। आज जब कांग्रेस रूल में नहीं है जी, भाजपा है, तो इट इज लाइक अ फेदर इन द क्राउन ऑफ द सो इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल रिवोल्ट और अ डिसेंट, देयर इज नो, यू आर नॉट सेइंग दैट प्रिंसिपली रिवोल्टिंग इट इज नॉट करेक्ट, व्हाट इज फाइन। आई विल टेक अ सर्विस का स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं खुराना जी आपके पास जाना चाहूंगा और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वापस से एक और क्वेश्चन ये आया है कि बीजेपी गवर्नमेंट में आए, दिस क्वेश्चंस हैव टू बी पॉलिटिकल बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द बीजेपी गवर्नमेंट अपोज्ड दिस, द प्राइम मिनिस्टर वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू अपोज दिस, वन ऑफ द यू नो आई वुड से द पीपल हु वाज अपोजिंग इट वेरी वोसिफरसली व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ऐसा क्या इस जीएसटी में डिफरेंट है कंपेयर टू 2010 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तिलक जी आप भी इसमें चाहूंगा बोले कि जो इन्हें अभी इसको लेके आए, क्यों अपोजिशन से प्रोपोनेंट की तरफ चले गए? अगर मैं इसको पॉलिटिकली आंसर करूं जी, तो मुझे ऐसा लगता है जब एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर नेता जी, जब वो पावर में होता है या जब वो अपोजिशन में होता है, तो उनकी भले उनके प्रिंसिपल कुछ भी हो पर वो उनकी भाषा बदल जाती है जी। तो पॉलिटिकली तो ये है कि जब आदमी अपोजिशन में होता है तो उसको लगता है कि मेरा रोल अपोज करना ही है। तो अगर आज जो लोग आप मोदी जी का अगर बात कहते हो, अगर आज वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उस समय वो एज ए चीफ मिनिस्टर उसको अपोज कर रहे थे, तो ही वाज अपोजिंग एज ए अपोजिशन लीडर। ओके,
तो नाउ सिंस इज इन ओके दिस इज पॉलिटिकल लाइक दिस आई वांट टू आस्क माय पैनलिस्ट आउट देयर इफ यू कैन कम फ्रॉम देयर तिलक जी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द जीएसटी नाउ एंड द जीएसटी ऑफ 2010 बिकॉज़ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस जी हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जी जीएसटी जब कांग्रेस का कॉन्सेप्ट देश के सामने लाई थी वो बहुत इनिशियल फेज था जीएसटी का जी भाजपा जब उस समय सत्ता से बाहर थी उसने निश्चित रूप से इस विधेयक का जो है इस का विरोध किया था जी परंतु जब भाजपा फिर सत्ता में आई तो उसने जिस पूरे प्रोसेस से निकला जो स्टेक होल्डर से जो डिस्कशंस हुई जो डिलीबरेशंस हुई और उससे और सिलेक्ट आप हम सबको ये जानकारी है कि ये जो जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और जीएसटी का जो विधेयक है वो सिलेक्ट कमेटी के पास भी गया पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास गया वहां इस पे छठ में डिस्कशंस हुई और सबसे जो जीएसटी का जो पहला प्रारूप था उसमें जितने भी सरकारें थी उनमें से मुख्य सभी सरकारों ने उस कॉन्सेप्ट का विरोध किया था। तो आप कह रहे हैं मैं एक से रुकना चाहूंगा आपको उस वक्त भाजपा की स्टेट्स में सरकार नहीं थी मैं आपको लूंगा जिस पे और फिर मैं एक स्पेशल क्वेश्चन पाऊंगा उस पर कांग्रेस की भी सरकारें थी स्टेट में उन्होंने भी विरोध किया था। तो मैं आलोक जी आपसे यही पूछ रहा हूँ एक बात और जाऊंगा उसमें विरोध का कारण क्या था कि जो स्टेट्स को ये लगता था कि जो रेवेन्यू का लॉस हमको होने वाला है वो हमको भुगतना पड़ेगा नए विधायक में नए प्रारूप में भाजपा ने उसको एड्रेस किया कंपेंसेशन यू आर गिविंग सो आई जस्ट पुट दिस आई वांट एन आंसर सो एज द फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग दैट दिस इज अ हिस्टोरिक एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डिंग which the world should also learn from you give them the credit for that absolutely yes you also give them the credit yes absolutely okay if so much of credit is given if everything is fine I've been getting this complaint from a lot of females out there who own leather bags ki bhai leather bags ko 18% a pack of percent 28% tak kyun pahuncha gaya the garima ji is pe aapko batana chahenge kyun main principal point aap se lunga kyun leather bags let's take a specific question this is a concern from a lot of females why are the red leather bags what is the rationale of increasing the rate of leather bags see as per my view and on the jovial side that GST is very good for mango people okay. but it is tough for apple people okay so leather bag 28% but these days mango is costlier than apple yeah yeah, yeah so in that scenario leather bags ho gaye aapke ACs ho gaye refrigerators ho gaye even on cars also this 20% rate is there along with compensation cess सो फ्यू कमोडिटीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने चुनी है फॉर दिस पर्पस बिकॉज दे आर एवरीबडी नोज दैट इट इज अ फोर टायर स्ट्रक्चर रेट 5, 12, 18 and 28% सो बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट हैज चूजन दिस वे ओके यू से अबाउट बैलेंस आलोक जी मेरे पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है सो लेट अस सी द प्रोडक्ट्स ऑन व्हिच आपके पास नाम है एवरीबडी नाउ इट्स ओपन फॉर एवरीबडी टू कम इनटू बिटवीन लेट अस सी द प्रोडक्ट्स ऑन व्हिच टैक्स बर्डन हैज गॉन अप यू हैव बटर जिसका करंट पहले 6% पे था बटर 12% हो गया है तो अब जो तो क्या लॉजिक है इसका टेलीविजन सेट्स है जो 25% पे 24.39% पे थे वो 28% पे हो गए फुटवेयर मेरे को फाउंडर मेरे कई जो फीमेल एम्प्लॉयज वो इतने दुखी हैं जीएसटी के बाद से कहते हैं कि भाई 14% रेट था पहले अब हमें नई सैंडल्स देने के लिए 18% देना पड़ेगा बिस्किट मैं नहीं खा सकता क्योंकि 16% से 18% हो गया है अगर मेरे पास है नहीं कॉर्नफ्लेक्स को 9 से 18 कर दिया है रिस्ट वॉचेस को जो सब पहन रहे हैं उसको 20 से 28 कर दिया है जैम को 5 से 18 कर दिया है बेबी फूड्स को 7 से 18 कर दिया है स्मॉल कार्स को 25 से 28+1 कर दिया है तो क्या ये सब जो सेगमेंट्स हैं सॉरी जो मैंने बताए हैं पहला ये मिडिल क्लास प्रतिदिन आपके इसका कितना कंजम्पशन है अगर महीने का आपका 50,000 रुपए का इनकम है तो इसके ऊपर आप कितना पैसा खर्च करते हार्डली नॉट इवन 5% or 10% आपकी टोटल बाकी चीजों में बहुत सारी चीजों का रेट कम हुआ है उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि मेरा 4 रुपए का चीज आज 2 रुपए में मिलने जैसे कुछ हमें बताना चाहेंगे कि ऐसी स्पेसिफिक कम हुआ है बल्कि आल्सो देयर इज नो जीएसटी ऑन सम कमोडिटीज और आइटम्स लाइक मिल्क बटर फूड आइटम को बिल्कुल पहले फूड आइटम पर वैट लगता था पैक्ड और नॉन पैक्ड ओके जो तुम्हारा जो फूड जो हमारा परचेज में बात करता जैसे
आलोक जी ने भी कहा, जो सबसे बड़ा बास्केट का जो एक वेट है जिसने उसको बिल्कुल जो है लगभग टैक्स से बाहर निकाल दिया। नो जीएसटी, सो ओके, सो दैट व्यू आज के दिन में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन सारे हिंदुस्तान के एक हर आदमी मोबाइल यूज करता है। पहले जो इम्पोर्टेड मोबाइल फोन था 13.5% इम्पोर्ट ड्यूटी था और उसके ऊपर 5% से लेके 15% तक उसके ऊपर वैट था। आज के दिन में गवर्नमेंट 12% लेके आई है। अगर आप अगर करके देखे आप देखते हैं तो कम से कम 10% आपका मोबाइल फोन सस्ता होने वाला। तो आप कह रहे हैं कि मोबाइल फोन सस्ता होने वाला, मतलब इस जीएसटी के आने के बाद मोबाइल फोन सस्ता होगा, तो ये तो दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट टेक अवे। मैं एक चीज मैं अरुण जब कुछ कहने वाले थे मैंने पॉइंट में, जैसे कि आज वही आपको देखना पड़ेगा मंथली बजट आपका कितना है, किस एरिया में आप एक्सपेंस कर रहे हैं, प्लस और माइनस हो के मेरा ख्याल में आपको कोई पॉकेट से ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा। ठीक है, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे सर की आप इसको किस तरीके से देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से क्रोनोलॉजिकल इवेंट से क्वेश्चन है जिसने जीएसटी के व्हिच इज लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, व्हाई जीएसटी नाउ, व्हाई नॉट जीएसटी से 2 years लेटर, व्हाई जीएसटी नाउ, ये मेरा सवाल है। मतलब आप इसको किस तरीके से देखेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को? देखिए ऐसा है, आप व्हाई नाउ की अगर बात कहते हैं जी, तो ये बात 2 साल बाद भी आप कह सकते थे जी, तो ये तो कभी तो आना ही था जी। तो अगर आज से आप देखिए कितने साल पहले इसकी रूपरेखा शुरुआत थी, तो why not then? ठीक है, my question is why not then? Then, okay. So if you are saying why not now, then why not then? Okay. But my question is, एक चीज इसमें और भी है, to take to implement this GST, this is one of the boldest decision of any government. Okay. जो उसके लिए जो बोलते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का छाती है, तो वही लेके आ सकते थे ये चीज। तो आप कह दिए आज, ठीक है, ये तो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ टेक अवे कि दिस इज अ वेरी बोल्ड टैक्स रिफॉर्म। ओके तिलक जी, लेट मैं ऐड करना चाहूंगा, जब आपने ओपनिंग रिमार्क्स की बात कही तो मेरा एक ओपनिंग रिमार्क में देना चाह रहा हूं जरूर। तो मेरा रिमार्क ये है कि आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड ओके एंड प्रिविलेज्ड पर्सन ओके दैट वन डे टू माय ग्रैंडचिल्ड्रन ओके आई विल से कि भाई ये जो जीएसटी लागू हुआ था ना मेरे जमाने में लागू हुआ था। ऐसे क्यों? दो पॉइंट बताइए क्यों आपके ग्रैंडचिल्ड्रन चाहिए। गिव मी 2 पॉइंट्स व्हाई। देखिए जैसा आज सबको मालूम है एक हिस्टोरिक इवेंट है, एवरीबॉडी नोज इट जी। आज हमारे देश के राष्ट्रपति ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंड चिल्ड्रन बताइए, मान लीजिए आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को किस भाषा में बताएंगे कि यू आर देयर इन जीएसटी, तो तब तो मान लीजिए पांचवी क्लास के बच्चे, इंडिया गेट पे भी लोग 12 बजे से सेलिब्रेशन करने वाले हैं। यस यस जी, मैं वही कहने जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा इवेंट मैं ये समझता हूँ मेरी लाइफ में पहली बार होने जा रहा है। दैट इज व्हाई भूलना चाहिए। और जो आने वाली जो प्रश्न आपने किया है, क्यों आपने पेट्रोलियम को बाहर रखा, क्यों अल्कोहल हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, या यूनियन है या स्टेट्स है। और ये पहला एक बड़ा इतना बड़ा रिफॉर्म है जिसमें स्टेट्स और यूनियन ने दोनों ने अपने अधिकारों को छोड़ा। उन दोनों के छोड़ने से जो उत्पत्ति हुई वो जीएसटी की है, ठीक है। परंतु सभी स्टेट्स के मन में ये शंका थी कि अगर हमने पूरे टैक्सेशन राइट्स को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, और क्योंकि स्टेट्स के बहुत बड़े रेवेन्यू का भाग आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और जो है अल्कोहल से, इसीलिए ये ओके। बट डू यू एक्सपेक्ट दैट गोइंग फॉरवर्ड कहना चाहता हूं, अगर हमको अगर ये हमको ना स्टेट्स को इसमें हम ना करते और इनको लाने में जो और जद्दोजहद होती तो हमको लगता है इस कंसेंसस ओके। सो डू यू एक्सपेक्ट दैट दीस टू प्रोडक्ट्स विल कम इनसाइड जीएसटी इन द फ्यूचर? डू यू एक्सपेक्ट दैट? यस यस आई डू एक्सपेक्ट। मे बी आफ्टर 5 years बट नॉट लीगल, बिकॉज़ लीकर में टैक्सेशन का सिस्टम अलग है। स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाती। लीकर विल बी आउट ऑफ वाटर जी। और कुछ स्टेट में एज पर आर्टिकल 366(12)A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
mentioned that GST, goods and service tax, is a tax on supply of goods, services or both, except alcoholic liquor for human consumption. Okay, so it is outside the ambit. Okay, so it's basically constitutional. There is no any right to applicable. Definitely, that would require again a constitutional amendment. So, but not for the petroleum. So many states, because there is a ban in the liquor. That they take, there is a black market through which they in fact put in more amount of taxation. I can go to Gujarat and still get liquor. No, on petroleum products, government is getting 31% of revenue. Okay. But the highest slab in GST is 28%. Fine. So I would just let, can I conclude this? Can I just conclude here that this is to keep petroleum and alcohol out is a decision which is a constitutional decision. Mop up the revenue. And the union has agreed to the. Okay, that's a very important point. It's very important. Okay. Very important. Sure. In the interest to bring this biggest. Fine, I take that. So they agreed. Okay, let me but take to your question. That it may come after maybe. So you expect that to come? Yes. I doubt. I don't think liquor will come in at least 10 years. I don't think the liquor will come. I'm talking. We have to wait and watch. We have to wait and watch. You're not making any premature comment on that. So, my question, let me go on to the services. So, the GST impact on services is something which I would like to take, madam. So, let's see the tax burden. So, renting of a motor cab, effective tax rate was 6%. Now, the effective tax rate has gone to 18%. So, okay. So, this is something which I also want to take. The tourism sector, right? Tourism sector initially was... initially was it's considered to be incredible India, right? Now tourism sector, कितने सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर हमको ना बहुत इसका negative फायदा negative नुकसान होगा. Before that, we have one of the questions from one of the our viewers, Shweta Singh. She's asking, how is it going to affect MSME sector in India? Okay. Who can choose to answer that MSME question? Anybody, Mr. Tilaji? Please. मेरे को लगता है कि एमएसई सेक्टर को भी इवेंचुअली जो है पॉजिटिव इंपैक्ट ही आने वाला है. आप देखिए जीएसटी में जीएसटी का बड़ा लक्ष्य क्या है. जीएसटी का बड़ा लक्ष्य जो है वन नेशन वन मार्केट है, और दूसरा बड़ा लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ताकि अब से पहले एमएसएमई को वैट टैक्स अलग देना पड़ता था, एक्साइज अलग देना पड़ता था, सर्विस टैक्स अलग देना पड़ता था, एंट्री टैक्स अलग थे, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग था. तो इतने बड़े टैक्सेस का जंजाल जो है और उनके सबके इंस्पेक्टरों को उनकी जो इंस्पेक्टर राज था, अधिकारियों की जो इंटरवेंशन थी, वो सबको उसको भुगतना पड़ता था. अब उन सबको समेट कर एक ही जो है प्लेटफॉर्म सरकार ने बना दिया है. और हमको एमएसएमई को ये मैं एमएसएमई की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म जीएसटी का एक प्लेटफॉर्म बना है जो कि फुली कंप्यूटराइज है जी, फुली ऑटोमेटेड है जी. केवल मात्र इसमें मैं रोकूंगा. जीएसटीएन नेटवर्क के जो संस्थापक हैं उनका स्टेटमेंट आया है पेपर में, वी आर वरिड येट ऑप्टिमिस्ट. व्हाई आर दे वरिड इफ दे आर वरिड ऐसा. इससे बड़ा प्रयोग देश भर में अभी इतना बड़ा वॉल्यूम, आप अगर सोचते हैं कि बिलियंस ऑफ द डेटा जी आज के वर्ल्ड में कहीं भी इतना मूव नहीं होने जा रहा है जो हिंदुस्तान में इतना बड़ा डेटा मूव होने जा रहा है. आज मेघालय में एक आपका बिजनेसमैन बैठा हो और एक दिल्ली में बैठा हो, वो डेटा मेघालय वाले को अपलोड करना है सिस्टम में प्रोसेस करके दिल्ली वाले. वॉल्यूम इज समथिंग व्हिच इज द बिगेस्ट थिंग. ओके ओके, लेट लेट आई वांट अ स्पेसिफिक फिगर. टेल मी हाउ मच इज द वॉल्यूम दैट डीएसटीएन नेटवर्क विल बेसिकली टेक पर डे. Anything average? Every day, trillions of transactions. Each transaction of purchase has to be tallied with matched with the transaction of corresponding sale. And you say, and therefore, I agree when the chairman of the GST says that they're. But let me also tell you, they are optimistic yet worried. Let me tell you, there are a lot of. That is only because it's not tested. This is something we should go as a key takeaway. This should go as a takeaway. Sorry to interrupt, sir. This is something which is very important. Ladies and gentlemen, there will be more than a trillion transactions which will take place on this GSTN network. I will just take.
And if we are able to successfully implement this, and I do hope that it is, this will be something which the world can emulate. And I think it also reflects the IT backbone and strength that is the reflection of India there. Ek koi question viewer se hai, main zarur aap puch sakte hain mere question. Ek question humare paas aaya hai Rajni ji ka jo puch rahi hai ki baby food ko costly aur kyun kiya ja raha hai? This is not justified. Aur dusra ek important segment aaya hai electronics ke upar. क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, दैट इज द क्वेश्चन. कंप्यूटर हार्डवेयर कितना महंगा होगा, सो नाउ द कंसर्न्स आर कमिंग आउट. एब्सोल्युटली. सो बेबी फूड एनीबॉडी इन फ्यूचर सर, आप कोई प्लीज. मेरी जानकारी में जो बेबी फूड पर पहले टैक्स लगाया गया, तो जो रिवाइज टैक्सेस आए हैं उसमें बेबी फूड्स पर टैक्सेस को कम कर दिया. नहीं, मैं चाहूंगा बेबी फूड सॉलिड इन अगर यूनिट कंटेनर सोल्ड इन यूनिट कंटेनर आता है तो 7% तक करंट इफेक्टिव टैक्स है, 18% हो गया. नहीं, आप में पहले भी बेबी फूड में एक्साइज ड्यूटी लगती थी. अच्छा, एक्साइज ड्यूटी आम कंज्यूमर को पता नहीं होता, वो मैन्युफैक्चर के एंड में लगता है. सिंपल बताइए सर, बेबी फूड अगर लेने जाऊंगा मार्केट में तो क्या कितना परसेंट, कितना ज्यादा पैसा देना. ये 100 रुपए का वो कंटेनर, 100 रुपए की चीज आती कंटेनर के अंदर, तो कितना ज्यादा बढ़ सकता है पैसा? हार्डली 2-3 रुपए का. 2-3 रुपए, आप परसेंटेज टर्म्स में जा रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं जो एक्साइज जो पहले हमें दे रहे थे, छुपी हुई थी एक्साइज. ओके, वो एक्साइज और वैट मिलके एक ही टैक्स. मैं आई विल टेक द क्वेश्चन ऑन दिस. देयर इज अ, देयर वाज अनदर क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स. आई वांट टू टेक दिस, क्या कैन यू एड्रेस दैट? कंप्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आगे जाके, क्योंकि अभी जो अधिकतर हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर इम्पोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट होने में हम लोग अभी बीसीडी दे रहे हैं जिसको हम बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, उसके बाद स्पेशल एडिशनल ड्यूटी दे रहे हैं, कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी सीबीडी जो पेमेंट कर रहे हैं. आने वाले टाइम में हम खाली बीसीडी दे रहे हैं और जीएसटी पे कर रहे हैं. अगर जीएसटी अगर आपका 18% कंप्यूटर्स में 12% का ड्यूटी है, जो कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर सस्ते होने जा रहे हैं. कंप्यूटर सस्ते होंगे, कस्टम सेस इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी सब्स्यूम्ड इन जीएसटी. ओके, सो प्रेजेंटली नाउ आफ्टर जीएसटी वी विल पे बीसीडी प्लस आईजीएसटी. ओके, इन जीएसटी ट्रांजैक्शंस ऑन इंपोर्ट. So you saying, अच्छा ठीक है, so let me simplify this. So Mike, can we conclude that after GST computer, if I go and buy a laptop or a computer, that will be cheaper? Including printers? Yes. निश्चित रूप से सकते हैं. So ladies and gentlemen, two good takeaways. Simple भाषा में computers जो हैं और printers और electronic items हैं, ये सस्ते होने वाले हैं. तो बेबी फूड है उसमें मैक्स टू मैक्स 2-3 रुपए का ही फर्क आएगा. तो जो माताएं हैं, जो सुपर जो मदर्स हैं, जो इतनी कंसर्न है, दे डोंट नीड टू वरी समथिंग व्हिच इज देयर. बच्चे 2 दिन के बाद 2 साल का बड़े हो जाएंगे. साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि जीएसटी को इतना डरे नहीं, बिकॉज ऑल ओवर 140 कंट्रीज मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड जीएसटी ऑलरेडी. ओके, बट आई हैव अ प्रॉब्लम. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट समवन हैड आस्क्ड, दैट USA ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया और वो फेडरल. दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हिच इज द व्हिच वी ऑल एम्युलेट इन टर्म्स ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर, वी आर अ डिफरेंट. आई विल नॉट यूज द वर्ड एम्युलेट, बट देयर इज समथिंग व्हिच वी लर्न. लॉट ऑफ लेट मी आंसर दैट. यू वांट टू आंसर दैट? एनीबॉडी कैन कमेंट प्लीज. लेट मी आंसर. व्हाटएवर आई नो इज बिकॉज़ इन US ऑल द स्टेट्स, आई मीन व्हेन इट बिकम्स यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स आर लाइक अ सेपरेट कंट्री. They are working like a separate country. Yeah. Like in India, our federal system is like all states are under one, union. Yeah. So, but in US, no state is willing to leave its control on its revenue sharing. So that is how their practical problem is. So another aspect is that in US there is no tax on the services. Okay. There is only tax on the goods. Okay. Okay. Brazil and Canada, that is dual GST, dual concurrent model, has been copied in India or implemented in India, just like in Brazil and Canada. Okay. Tell me one thing, sir. I'm not satisfied with the answer. This is give me a more simplistic answer. If anybody, I'm not satisfied with the answer. Sorry, this is something which I think. Yeah. कि क्यों नहीं अमेरिका में है पहली बात. तो second मेरा question ये है, ऐसा कौन सी country है जिससे हम सबसे ज्यादा हमारे GST को
मतलब कह सकते हैं कि ये इससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्लोज है कनाडा Okay, so why not anti-profiteering jo leke aaye hain, that is more close to Malaysia. Okay, anti-profiteering is close to Malaysia. Malaysia will be last country where GST has been implemented in 2015. I have this thing, right? Now I will be a, let me put it this way: why India, something happens in the West, all things happen in the West, other countries do it, India comes in and does it in a different fashion separately. What is something in India's whole GST which the world can learn from? Don't give me that it is a big political consensus building. Yes, it is there. I agree with it that it's a historic consensus building. What is a policy feature in India's GST which is absolutely different from all the other GSTs out there in the country? What is that difference? One thing is the rates. Rates. Because in other countries, as far as I know, there is single rate all through the country. I disagree there. I get your point, sir, but I disagree there. I tell you why. Because I was listening to Chief Economic Advisor Mr. Arvind Subramaniam, and Arvind Subramaniam ji ne bola ki ye distorted system hai, Vivek Debrawal ji ne kaha, aur hame ideally 3 rate tak jana hai jo 12 se 15 ke beech mein honge. To sirf rate hi different hai, to lagti kya different hai hamare hamare desh mein jo GST का मॉडल हमने अडॉप्ट किया है, वो कंसेंसस के बाद हमने अडॉप्ट किया, वो ड्यूअल कॉन्करेंट मॉडल, कॉन्करेंट और ड्यूअल मॉडल है. आइडियल जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल सिंगल मॉडल है. तो ये हमको ये इस बारे को हमको समझ लेना चाहिए कि देश में कंसेंसस बनाने के लिए इस सिस्टम को एक 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 एमलगमेशन जो है adoption किया ताकि give me two points which are absolutely something the world can learn from. What do you think the policy point? Give me two policy points on how this GST is different from all the other GST. The policy in this GST in our country is different from other countries. Yes. Jurisdiction is that in our countries both states and union have the concurrent powers to tax. Absolutely. That's the tax. So it's nowhere in the world. In the world, either the union levies the tax or the states levies the tax. And if the union levies the tax, then there's an apportionment. Okay. Absolutely. So you are saying that both the union and the state have the power to levy tax on both the goods and services, which they are basically parted away partially, and that is something that that's why it is dual concurrent GST. In other cases, the union would levy the tax. They would also collect the complete tax, and then they would distribute to the states under a pre-agreed formula. Okay, but here, on the same transactions, state is also getting the revenue, equal revenue, and union is also getting. That's a very important point, ladies and gentlemen. I want to tell you that's a very important point. Do you want to add something? Yeah, because that's why that these things, collection of the tax from the union lease to state lease, is transferred to the concurrent lease. Okay, so ladies, along with that, I would like to give a light on that. That the best benefit of GST is seamless flow of input credit. Right. So I won't. Yes, I will take this point. I want to elaborate on this point. This is something. It's a very technical jargon for a viewer who is there. मुझे थोड़ा सा simplified भाषा में बताना कि क्या है इसका. पर मैं एक conclusion इस third part से करना चाहूँगा. Ladies and gentlemen, the conclusion has been that you've been asking. A lot of people who ask on my Facebook post and who ask me कि क्या different है. Rohan, there's a viewer who's asked me कि भाई क्या different है Indian GST और other GST में. So this is something which I want, this it's come on my WhatsApp. So I want to tell the basic principle difference here. This is something Rohan, you'd ask me this question, is that the Indian GST ke andar on the same product, the state as well as the center equivalently will get their respective share of tax revenue. Nowhere in the world this is the case, which is something which is there. And I absolutely, this on this point, we should definitely give the credit to all you people, all the ecosystem, along with the government leading it. I'll take it. So it's a concept, you know, which is and that reflects, you know, I will say that this reflects the principles of the constitution. The constitution cooperative, of India. Cooperative federalism. Cooperative federalism is something which goes here, and that is which it comes into the context. And this is the major difference from the other jurisdiction and India. Absolutely. I take so this we have respective. And I think that is what, when, sorry to interrupt you, what B.R. Ambedkar thought about in the constitution, that it is not completely unitary, it is not completely federal, and that is what is reflected here. Can I conclude that, madam? Absolutely. Okay. Let me, is there a question which is coming from the viewer? We'll take that question. Yes, I want to
I want to take I will just take that viewer. There is a viewer Shavli Nagpal who is asking, will we get input credit for opening stock? ये कोई अगर कोई answer करना चाहेगा आप answer करें जी. Opening stock के ऊपर आपको credit मिलेगा जी. अगर आपने VAT पहले पे किया हुआ है तो उसका VAT आपको SGST में क्रेडिट मिलेगा जी. आपने अगर एक्साइज ड्यूटी पे किया, ड्यूटी डॉक्यूमेंट है तो आपको CGST में मिलेगा जी. अगर आपके पास ड्यूटी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आउटपुट के ऊपर अगर 18% है उसके ऊपर टैक्स है तो आपको CGST में 30% का क्रेडिट मिलेगा, और 18% से नीचे है तो आपको CGST में 20% का क्रेडिट मिलेगा. ठीक है. मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे, कोई भी चूज टू आंसर. जीएसटी के बाद कस्टम ड्यूटी लगेगी इलेक्ट्रो, आई थिंक वी आंसर कस्टम ड्यूटी लगेगी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, लगेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी जी. बीसीडी लगेगी, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट इन जीएसटी. बीसीडी इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जी. जी ओके फाइन. आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, उसका कारण सिर्फ कारण, उसके कारण पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार इंपोर्ट्स को भी नियंत्रण करना चाहती है. हाँ. और उसका केवल मात्र जो है राइट्स यूनियन रखना चाहती थी अपने पास, इसीलिए उन्होंने अभी जो है बीएसटी बीसीडी को, बेसिक कस्टम ड्यूटी को जो है इससे बाहर रखा जी. तो मेरा एक और क्वेश्चन है, और ये जनरली दिस इज समथिंग लोग यहाँ पे एक आई विल कह रहे हैं कि नॉट जस्टिफाइड एंड नॉट जीएसटी रेडी. देयर इज समथिंग कह रहे हैं कि आप सब लोग बिल्कुल गल पागलों वाली बातें कर रहे हैं. मैं बिल्कुल, ये प्रग्नेश सी पांड्या ने कहा है. अब ये जब ऐसी हमको कमेंट आते हैं और ऐसा पॉलिटिकल ऑपोजिशन होता है, अगर आदमी ऐसा सोच लेता है तो इससे इस मानसिकता से कैसे इवॉल्व हो सकता है? देखिए आप इसे प्लीज, इसका निदान समय ही करेगा. समय ही करेगा, जैसे जी. समय जैसे कल का दिन आएगा जी. तो यही लोग जो आज इसको अपोज कर रहे हैं उनको लगेगा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, जैसे हुए क्राइम देवर. मुझको मैं इसका आंसर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टर्म में देना जी. जी मैं, आप काफी फिलोसफी पढ़ते भी हैं तो मैं चाहूंगा कि इसका अगर देश ने कभी चांद पर जाने की सोची नहीं होती जी और डरता रहता जी, तो आज कभी हमारा जो हम चांद पर पहुंच नहीं सकते जी. क्योंकि देश ने एक निर्णय किया, एक निश्चय किया कि हमको अपने स्पेस प्रोग्राम को जी आगे लेकर जाना है. उस निश्चय से आज स्थिति यह है कि हम ना केवल अपने सैटेलाइट स्पेस में भेज रहे हैं परंतु दूसरे देशों के भी सैटेलाइट्स को हम विदेशों में भेजने में सक्षम है जी. मैं प्रगनेश जी की बात से सहमत भी हूं कि कठिनाइयां हैं जी. हो सकता है हम पूरी तरह से देश जीएसटी रेडी ना हो जी. अगले कुछ सप्ताह तक, अगले कुछ माह तक कठिनाइयां रह सकती हैं. मैं ये कॉशन करना चाहता हूं देश को, परंतु मुझको ये विश्वास है कि हम इस कठिनाइयों के बावजूद भी जो है हम जो है विजय होकर जो है ठीक है ये देश निकलेगा. मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई जंग जीतने, जंग के लिए लड़ रहे हैं. मेरे को जिस तरह से लोग बातचीत करते हैं और कर रहे हैं जीएसटी की, और ये कोई जंग है और इस जंग को हमें जीतना है. दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर जी. हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फियर 37 रिटर्न्स का है जी. जो कि हर एक को ये फियर है कि एवरी मंथ मिनिमम 3 रिटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एंड 1 एनुअल रिटर्न, तो टोटल इज 37 रिटर्न. बट ये फियर हमारा भी 2 महीने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया है. सिंगल समरी पेज रिटर्न दैट इज GSTR 3B विल बी फाइल्ड इन जुलाई एंड अगस्त एंड ऑल दीज रिटर्न्स विल बी फाइल्ड फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स. और जो तीन रिटर्न की जो बातें कर रहे हैं, ये क्रिएट किया है कि 37 रिटर्न फाइल करनी है. 3 रिटर्न में आपको सेल्स का डेटा देना है, 2 नंबर डेटा ऑटो पॉपुलेटेड है, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना. और 3 में 90% डेटा जो है ऑटो पॉपुलेटेड होके आना है. आपने जो टैक्स जमा करा है उसका डिटेल डालना और रिटर्न फाइल करनी है. तो आप नंबर्स को नहीं गिने, आपके कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है. डेटा आपको अपलोड करना पड़ेगा, डेटा आपको सबमिट करना. मैं इसको दूसरे रूप में भी कहना चाहूंगा कि ये जितना भी काम होता है, मान लीजिए जो आपने आउटपुट की जो इनवॉइसिंग जो आपने भरनी है पोर्टल पे, हु विल डू दैट? क्या बिजनेसमैन खुद करता है ये काम? आज भी ये काम कौन करता है? उनका अकाउंटेंट या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, तो तब भी वही करेगा. Okay. तो बिजनेसमैन को उस चीज की चिंता मेरे हिसाब से करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम, ये समस्या हम लोगों के लिए हो सकती है.
एज ए बिजनेसमैन आई डोंट थिंक बिजनेसमैन को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कंप्लायंस सारे प्रॉपरली हो बिकॉज जीएसटीएन नेटवर्क पे हर जीएसटीएन का हर एसएससी का टैक्स पेयर का एक कंप्लायंस रेटिंग वहां पे होगी वो रेटिंग कंप्लायंस के बेसिस पे डेवलप होगी और उनकी गुडविल भी ये रेटिंग ही बताएगी रिस्क असेसमेंट जो है राइट मेरे को ये पूछना चाहेगी थोड़ी सी एक मैं एक नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ इंटरव्यू सेगमेंट में जाऊंगा उसके पहले कि ये कुछ विंडो दी गई है सब 30 दिन की कुछ महीनों की कि अगर आप अभी जीएसटी रेडी नहीं हो गवर्नमेंट अभी भी बोला है कि वी विल बी रिलैक्स्ड इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग सर्टेन डिविएशन फ्रॉम द जीएसटी थोड़ा इसके बारे में अगर कोई हम लोग चाहे अगर व्यूअर्स को बताना चाहे कोई बताना चाहे अभी गरिमा जी हमको जो पहली तीन पहले दो महीने के हमारे जुलाई अगस्त के जो रिटर्न है उनकी जो एक्चुअल रिटर्न है वो नहीं भरने की जरूरत है उसका बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन सिंगल पेज सिंप्लीफाइड वर्जन भरने की जरूरत है टीडीएस और टीसीएस के जो प्रोविजन है उनको अभी सरकार ने जो है वो डेफर कर दिया तो टीडीएस और टीसीएस डेफर कर दिया ई कॉमर्स ई कॉमर्स पे भी हमने डेफर किया डेफर कर दिया ठीक है तो सरकार ने इसको थोड़ा सा जो जो कठिनाई वाले जो मार्ग थे उनको थोड़ा सा सरल एक चीज और भी डेफर करिए उसको हम बोलते हैं ई वे बिल्स जी अभी टाइम बीइंग वो भी एक बहुत बड़ा इशू आने वाला था उसको भी गवर्नमेंट इसके अंदर थोड़ा सा आप मैं जनता को बताएंगे ई वे बिल बेसिकली क्या होता है जैसे गुड्स का मूवमेंट जैसे अब होगा ना तो वो एक ई वे बिल जनरेट करके यानी पहले होता था ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना पड़ता था जैसे ट्रांसपोर्टर को अब वो एक ई वे बिल जनरेट करके उसका एक रेफरेंस नंबर होता है उसी रेफरेंस नंबर से आप किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स को ले जा सकते हैं प्रायर टू इशूइंग ऑफ इनवॉइस यस प्रायर टू इशूइंग ऑफ इनवॉइस ओके तो उस प्रोविजन को भी गवर्नमेंट ने ये जो है जीएसटी पोर्टल से ही जो है आप इसको जनरेट कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा समझाइए अगर मान लीजिए मैं बुक गुड लेके हाथ में दिल्ली में बैठा मुझे दिल्ली से गुजरात मान लीजिए दिल्ली से मुझे यूपी ले जाना है तो आपको ले जाने से पहले इस बात की सूचना सरकार को देनी पड़ेगी ई वे बिल के माध्यम से कि मैं इन गुड्स को यहां से वहां भेजना चाहता हूं ओके तो वो सरकार की जानकारी में पहले से होगा और अगर आपने अगर वो किसी अगर आपने सूचना नहीं दी और आप कहीं रास्ते में पकड़े गए तो इसका मतलब है कि आप सारे आप कैसे आप ये कहना चाहते हैं लेकिन इसे 50,000 रुपए के तक के गुड्स के लिए आपको एग्जेम्प्ट दिया गया तो जो डिलीवरी चालान भी एक इसका है कि डिलीवरी चालान इनवॉइस से पहले आप रेज करेंगे और उसकी सूचना ई वे बिल के फॉर्म के थ्रू देंगे तो जो पहले जो 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 ग्रे मार्केट में जो कई बार आप देखते थे कितने सारे उस पर बहुत बड़ा ठीक है मेरे को चलिए समझाइए जैसे कि किस जो चालान का चेक लेकर मैंने गुड डिलीवर करना चाहूंगा मैं यूपी के अंदर तो पहले मैं जीएसटी नेटवर्क पे जाऊंगा उसके अंदर ई वे बिल जनरेट करूंगा मतलब सरकार को सूचना मिल जाएगी कि आप ले जाने मान लीजिए कोई कारणवश में नहीं ले जा पाए गुड को फिर वो तो आप उसको विड्रॉ कर सकते परंतु अगर आपने ई वे बिल की सूचना दी जो सरकार के पास सूचना होगी और अगर आपने गुड्स को जो है बिना इनवॉइस के या बिना प्रॉपर रिकॉर्ड किए बुक्स में अगर आपने ट्रांजेक्शन को किया तो ये जो जो माल चोरी होती थी हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में ये सब की कमी आई है बहुत लोग टैक्स बचाते थे ओवरलोडिंग करते थे ये सब कम हो जाएगा ये नेसेसरी इविल है क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा व्यापार जो है वो रिकॉर्ड्स के बाहर बिल्कुल कई टैक्स जो ट्रक्स आपको जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं कितना ओवरलोड करते हैं उसमें टैक्स बचाते हैं और इसमें मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं कि ई वे बिल का भी प्रोविजन है ऐसे व्यापार पर चेक रखने के लिए सरकार ने और भी प्रावधान रखे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा वेयर हाउसेस को अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा वेयर हाउसेस को कुछ रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टर्स को कुछ रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे तो ये कंबाइंड जो है इसका उद्देश्य क्या है जी थोड़ा इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा मैम इसको इसको एक्सप्लेन अगर कर पाएं कि थ्री कॉपीज की जरूरत है थ्री कॉपीज की वन इज ओरिजिनल अनदर वन डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट थ्री कॉपीज ट्रिप्लीकेट किसके पास जाएगी फॉर कंसाइनर कंसाइनी एंड ट्रांसपोर्टर एवरी सेगमेंट जिसकी जरूरत है उसको भी कॉपी दी जाना चली जाएगी इसमें अगर हम ई वे बिल की बात को अगर थोड़ा सा अगर कंप्लीट करें तो ई वे बिल्स ना केवल हमको जनरेट करना है बल्कि जो ट्रांसपोर्टर के जब पास सामान जाएगा उसको भी ई वे जनरेट करना पड़ता है यानी क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोगों का सामान मल्टीपल ट्रांसपोर्ट अगर वो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट करे तो उसे भी जनरेट करना है कि वो आगे ले जा रहे हैं कोरियर कंपनी है
अगर वो जी चार कंपनी का गुड्स का एग्रीगेट करके एक लॉरी में लेके जा रहा है तो उसको ईवे भी जनरेट करना और बहुत सारे स्टेट्स में वैट में भी पहले से ईवे अभी भी 17-18 स्टेट्स में ईवे पहले से है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई गो टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ इट, दिस इज स्मॉल सेगमेंट। तो हमारी जो रिपोर्टर है आकृति, उन्होंने काफी हद तक बहुत ऑन ग्राउंड इनफॉर्मल सेक्टर में काफी रिपोर्टिंग की है और उनको काफी कंसर्न्स इनफॉर्मल सेक्टर है। स्पेशली मैं एक बताना चाहूंगा कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो काफी जो माइनॉरिटी सेगमेंट के कई लोग हैं, उनने बहुत ही ज्यादा जिस तरीके से अपने आप को डिसेंट किया है कि क्या जरूरत है लाने की, मार्केट खराब है, धंधा चौपट है, देयर इज बीइंग एब्सोल्यूट आई वुड से 90% ऑफ पीपल स्पोकन इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी हैव शोन अ नेगेटिव लाइट, दे आर व्यूइंग जीएसटी फ्रॉम अ नेगेटिव लाइट। तो आकृति के पास स्पेसिफिक क्वेश्चन जो तानिल को थ्रो करेगी एंड देन वी कैन चूज एन आंसर। आकृति, कैन यू जस्ट स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या सो एक बहुत बड़ा उद्देश्य जिसकी बात हो रही है वो ये है कि फॉर्मलाइज करने के लिए, जैसा कि अभी आप सब ने भी बोला, ये एक उद्देश्य है कि मेन स्ट्रीम में जो है सारी ट्रांजैक्शंस आ जाए, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। पर मेरा प्रश्न आपसे ये कि जब हम देखते हैं कि इस अर्बन इकोनॉमी 90% इज इनफॉर्मल एंड इफ यू टॉक अबाउट ओनली अर्बन देन इट इज ऑल्सो 70% एंड अबव, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ओवरनाइट दे विल बी एबल टू, एंड व्हेन यू लुक एट दीज कंप्लायंसेस सच एज रजिस्ट्रेशन, सच एज इनवॉइसेस, वी नो ऑल दीज ट्रांजैक्शंस में इनवॉइसेस की बात अभी बहुत दूर, एक डिस्टेंट ड्रीम है। तो हम किस तरीके से और उन लोगों के बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस हैं, काफी सेगमेंट अनएजुकेटेड अनअवेयर भी है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी जो संख्या, इतनी बड़ी लेबर फोर्स है वो कंप्लायंस कर पाएगी जीएसटी के नॉर्म्स से? ये एक पहला प्रश्न है जिसपे आप प्रकाश डालें। आपने जो बात कही है उसका उत्तर देना चाहता हूँ और उत्तर को दो भागों में बांटना चाहता हूँ। कोई भी कभी भी पहला भी कर सकता है। पहला तो ये है कि जो 20 लाख तक का जो टर्नओवर है, जो कि मोस्टली जो छोटे व्यापारियों का, बहुत छोटे तबके का है, उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर होता नहीं है। तो 20 लाख के तक की जो टर्नओवर वाले व्यापारी हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो तो जीएसटी से बाहर, उनको जीएसटी के किसी भी प्रावधान से75 लाख तक के टर्न ओवर के लिए सरकार ने कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड किए, ऑप्शनल कंपोजिशन स्कीम, कि आपका अगर टर्न ओवर जो पूरी जो बिक्री है वो 75 लाख रुपए तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि आप एक डेफिनेट परसेंटेज पर, जो कि 1% 0.5% सरकार ने तय किया है, वो दें और हर प्रावधान से फिर मुक्त हो जाए। सिर्फ उसमें रिटर्न सिर्फ क्वार्टरली जाएंगे, जैसे इसमें मंथली है, सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न। सर के एडिशन में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इसके अलावा ये भी सरकार ने सुविधा दी है कि जो लोग कम्प्लीटली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं या कम्प्लीटली एक्सेम्प्टेड सप्लाईज में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है। दैट्स अ वेरी, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रूरल इकोनॉमी। देयर इज नो जीएसटी ऑन एग्रीकल्चरिस्ट, बट एग्रीकल्चरिस्ट को ये ध्यान रखना है कि वो अपनी जमीन पे खेती कर रहा है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, देन देयर इज ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी जीएसटी। बट मैं एक डर से जो है सहमत हूँ जो आकृति ने जिस बिंदु पर हम हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि छोटे व्यापारियों की ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना बढ़े, इस बात का हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो ये एक तो ना बढ़े और बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन भी ना हो, बिकॉज 20 लाख की जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो तभी है जब आप विदिन अ स्टेट अपना सप्लाई कर रहे हैं। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप चले गए तो आपको 1 रुपी के ऊपर भी कंपोजिशन स्कीम का भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, अगर आपका व्यापार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो कंपोजिशन स्कीम पे भी आप बाहर हैं। और तब आप जीएसटी के अंदर आप आना जरूरी ही है, क्योंकि जीएसटी का लॉजिक ये सीमलेस फ्लो होना चाहिए। जो जुड़ा हुआ प्रश्न हमारे पास आया वो ये था कि तो मैंने जैसा कि पूछा, इसका मतलब अगर ये एम्बिट से बाहर है जीएसटी के, जो एक्सट्रीमली स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो क्या
इसको फॉर्मलाइज इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की उस तरीके से कोशिश नहीं है क्या? दैट इज वन. एंड सेकेंड, पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट दिस टू डीमोनेटाइजेशन. जिस तरह से एक ओवरनाइट बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया गया उसी तरीके से उसको देख रहे हैं कुछ लोग जो नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं, वो भी जोड़ रहे हैं कि इसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात है. आज जब हम बात करते हैं कि आर एंटायर स्टॉक मार्केट्स आर बेस्ड ऑन परसेप्शंस ऑफ हाउ विल द मार्केट बी, एंड इफ देर इज अ रॉन्ग परसेप्शन इट रिफ्लेक्ट्स इन आर यू नो स्टॉक्स. सो हाउ देन आर वी एबल टू लुक एट दिस एंटायर थिंग किस तरीके से? As you're saying, you are linking it with the demonetization. I will just add one statistic. So we did this survey on this. This is a survey of 10,000 people we interviewed on 3 years of government looking forward in 2019. So there was 85% optimism on demonetization. And when we interviewed 100 traders, 90 traders were like against GST traders. But 2 saal abhi baki hai. 2 saal baki, bilkul. 2 saal baki tak unka aadat pad jayegi. It's a good thing government ne create kiya hai. Absolutely. I would just like that specific question. Do you have that, Hamesha? Yeah. I was just saying that demonetization ka iske saath katte koi link banta hi nahi. Kyunki wo demonetization was just, I mean, nobody was knowing absolutely at all. It was just a, I mean, jaise sabke liye shocking. लेकिन जीएसटी तो हम कम से कम पिछले 2 साल से तो सीरियसली काम कर ही रहे हैं. एंड नाउ एवरीबॉडी नोज दैट जीएसटी इज कमिंग. सो एब्सोल्युटली देयर इज नो फियर ऑफ, देयर इज नथिंग लाइक अननोन फॉर एवरीबॉडी. बट एक कैवियट जरूर है इसके अंदर. कैवियट यही है कि ऑफकोर्स कोई भी चीज नहीं आती है. हमें याद है जब दिल्ली में डीवैट स्टार्ट हुआ था तब भी यही मतलब लोगों को बड़ी दिक्कत आई थी. ऐसे जीएसटी में थोड़े दिन की दिक्कत आएगी क्योंकि एवरीबॉडी सारा रिफॉर्म्स आया है जो उसके लिए भी उसमें भी अभी दिक्कतें आ रही है. दिक्कत तो थोड़ी बहुत. अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, को भी एक चीज याद रखिए, स्टॉक मार्केट में आज इतनी वॉलिटिलिटी क्यों थी? इन द स्टार्ट जब स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तो इट वाज आल्सो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. आई थिंक इट माइट बी ओपनिंग एट अ वेरी हिस्टोरिक नंबर टुमारो, बट व्हाई इज देयर सो मच वॉलिटिलिटी इन स्टॉक मार्केट? आपके बताएंगे इसके बोलते हैं इसके. पीपल हैज अ फियर कि स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी पीछे काफी दिनों से 2 महीने से अगर देख रहे थे स्टॉक मार्केट पॉजिटिव की तरह थे, तो लोग सोच रहे जीएसटी होने के बाद क्या होगा, पता नहीं हमने जो प्रॉफिट आ रखा है कोई प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. 50% 60% लोगों का ये धारणा है कि जीएसटी आने के बाद इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी, बिजनेसमैन को बूस्ट मिलेगा, तो इकोनॉमी मार्केट अच्छे आने वाले हैं, तो वो कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो इसलिए ओके देयर इज अ न्यूज. जीएसटी काउंसिल हैज रिड्यूस रेट ऑन फर्टिलाइजर्स फ्रॉम 12% to 5%. This is a breaking news which is there कि जो fertilizers पे रेट है वो भी 12% से 5% तक कम हो चुका है. So this is जी तो जी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम और भी कुछ expect कर सकते हैं अभी 12 बजे से पहले. 12 बजे से नहीं, आपको ये 3 महीने तक देखने को मिल सकता है. आपको देखने को मिल सकता है कभी इस चीज का रेट कम हो गया तो इस चीज का रेट कम हो गया. इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट इस चीज को समझ रही है. व्हाट इज समथिंग व्हिच इज वेयर गवर्नमेंट इज सेंसिटिव एंड वेरी सेंसिटिव, प्रोएक्टिव एंड सेंसिटिव. एब्सोल्युटली. आई वुड टेक द थर्ड क्वेश्चन आउट देयर, अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज. हां, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोलियम. प्रदीप, यू डिड रेज इट, बट इसके ऊपर बात नहीं हुई कि एक रिपोर्ट आई थी कि अगर पेट्रोलियम पे दे वुड हैव इंक्लूडेड जीएसटी देन द रेट्स वुड हैव फॉलन एंड दैट इज व्हाई दे डिड नॉट टच इट. तो काफी लोग इससे नाराज है, तो इसमें क्या रेट्स? क्योंकि जीएसटी, अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो रेट्स घट जाते, डेफिनेटली घटते, परंतु स्टेट का जो रिवेन्यू है वो कम, वो बहुत बुरी तरह से घटने का भी एक उनके पास प्रावधान है कि सेस लगा सकते हैं और 28% टैक्स लगा के उसके ऊपर अगर सेस लगा देते तो हो सकता है कि प्राइस घटता भी नहीं. टोबैको प्रोडक्शन ऑन 28% तो एक ये मिथ, एक मिथ चल रहा है कि नहीं पेट्रोलियम इसलिए लेके नहीं आए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है. दिस इज अ मिथ, दिस इज अ मिथ. गवर्नमेंट चाहे तो उसे महंगा भी कर सकती थी जीएसटी के एम्बिट में. एब्सोल्युटली. एक और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जब डिसाइड हो रहा था कौन से प्रोडक्ट्स पे लगना चाहिए कौन से सर्विसेज पे नहीं लगना चाहिए, तो what kind of homework was done, how many people went behind it? Rational. All rates, kindly understand, all rates have been decided by the GST Council, and GST Council is constituted of all the state finance ministers who has one member and 29 states.
कैन यू जस्ट एलैबोरेट आल्सो ऑन द वोटिंग राइट्स एंड हाउ इट वाज आल्सो वेरी कंसर्निंग. वोटिंग राइट जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है आम जनता को उससे शायद बहुत सरोकार नहीं होगा. पर ये समझिए कि सबके सब स्टेट्स को आपको ऑन बोर्ड लाना है जी, और स्टेट्स जो है कुछ चीजों पर अपना अधिकार नहीं छोड़ने के लिए तैयार. सो इट इज बेसिक स्टेट्स अकोमोडेट करने का. और जीएसटी काउंसिल का मीटिंग में मेन मुद्दा ही रेट के ऊपर था सारे स्टेट्स में. और ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश में एक रेट एक किसी के लेके नहीं आ सकते. एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर चाह रहे थे कोई प्रोडक्ट में 5% लेके आए, तो दूसरा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर उसको अपोज कर रहे थे, उसको वो चाह रहे थे कि इसको 18% क्यों 5% किया जाए. कुछ स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये भी बोला कि सीजीएसटी रेट एसजीएसटी रेट से नीचे रखने होंगे. केरला स्टेट ने बोला कि एसजीएसटी रेट ज्यादा होना चाहिए सीजीएसटी रेट से. अच्छा, एसजीएसटी सीजीएसटी में किस तरीके से डिवाइड किया गया? 50-50 फेडरल कोऑपरेशन होगा वो बहुत इजिली कोऑर्डिनेट और मैनेज हो जाएगा इसके ऊपर. And if there is a conflict resolution mechanism, किस तरीके से है? GST council, everything is GST council. Everything is GST council. Any change in the rates has to be on the recommendation of the GST council. So everything has to pass through the GST council. Okay. Where states have a major say. And council is not a single person. Okay. Yes, and today not a one last person. GST council meeting before implementation of this GST. And they have reduced the rate of fertilizers. That is something which is very important. GST council. Absolutely. And this just happened at around 8:30. So we are like just hour before. Is it also due to the people who were protesting about the rice? What was the reason that this rollback is happening? किसानों का जो registration चल रहा है उसकी regarding distress है, agrarian distress है. So I think what is responsible? I think that is something very good thing. सबसे बड़ा station एक फर्टिलाइजर्स के ऊपर एक गारमेंट के ऊपर. हाँ, ये गारमेंट जी गारमेंट के ऊपर सबसे बड़ा एक ये, क्योंकि अभी तक फैब्रिक के ऊपर कोई टैक्स नहीं था जी, और आज के दिन में फैब्रिक के ऊपर जीएसटी 5% लगाए जाने के कारण सबसे उनको फेयर 5% का नहीं है, उनको फेयर का कंप्लायंसेस का है. अभी तक उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, माल लिया बेच दिया जिससे मर्जी खरीदा. और इसका इम्पैक्ट जीएसटी का इम्पैक्ट इनकम टैक्स के साथ भी है जी. आज के दिन में इनकम टैक्स का बुक्स में कोई भी परचेज दिखा सकते थे, कोई भी सेल दिखा सकते थे. कल जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, तो यू हैव टू मैनेज योर जीएसटी एंड इनकम टैक्स साइमल्टेनियसली. उस व्यापारी को ये प्रॉब्लम, उन व्यापारी वर्गों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम इनकम टैक्स कैसे मैनेज करेंगे. 5% उनको जेब से नहीं देना, वो आप हमसे लेंगे. ये जो थोड़ा सा प्रावधान होता है ना हिंदुस्तान की, भाई हमें टैक्स नहीं देना है, तो देयर इज समथिंग द साइकोलॉजी आल्सो हैज टू चेंज दैट. ओके फाइन, इफ यू आर एबल टू पे सर्टेन टैक्स वी हैव टू पे दैट टैक्स. समथिंग कैन आई कैन पुट ऑल दैट. ओके, आई वांट टू, नाउ बिफोर द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हर साइड, आई वांट टू आस्क अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन व्हिच वाज नॉट समथिंग एड्रेस्ड. जो सर्विस सेक्टर की बात थी गर्मा जी, जो मान लीजिए आपके होटल्स हो गए उसमें भी कॉस्टली हो चुका है. मैं बताऊंगा सप्लाई आपकी होटल स्टे है, रूम टैरिफ इज बिटवीन 1,000 to 2,250, उसमें अगर 9% पहले जीएसटी था वो 12% हो गया है. इसके साढ़े सात उसके ऊपर लग्जरी टैक्स जी, लग्जरी टैक्स जो लगती थी वो लग्जरी टैक्स खत्म हो गई है जीएसटी. और पहले किसी किसी स्टेट में 30% तक लग्जरी टैक्स लगते थे, अब मैक्सिमम होटल में लग्जरी टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स सब कुछ मिला के 28% है. सर्विसेज को भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर रखा गया है, ओनली रेस्टोरेंट सर्विसेज को. इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट विल बी 2.5% प्लस 2.5, दैट इज इक्वल टू 5%. बट दैट इज आल्सो अप टू टर्नओवर, राइट? अप टू 75. अप टू 75 लाख. ओके. यस. सो यू आर सेइंग रेस्टोरेंट्स हैविंग, सो आर यू सेइंग दैट रेस्टोरेंट्स हुज टर्नओवर इज जस्ट 75 लाख, यू कैन पे जस्ट 5%? जस्ट 5%. ओनली 5%. यू पे 5% एंड ऑफ, बट यू डोंट गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट. Yes. Okay. So you will not get input tax rate because you're not into the GST system, right? Yes. But for the restaurants, if they are serving liquor, because liquor is out of the GST, then they have to pay the GST. They have to pay the VAT as well as they have to pay the GST. So which is, so liquor is treated but as before. That condition, yes. Where they have a single invoice. Okay. If they don't have a single invoice, suppose for liquor they have separate invoice, in that scenario they are not required to pay. Yes. No, but they have to pay the VAT on that. Yes, they have definitely. To pay the VAT. Not and GST. The GST also in that, if they have a same one invoice also, exactly. Then the, in liquor, the GST will be the zero. Yes, and they have to charge the VAT. Absolutely. So, liquor is treated as before, right? Yes. Liquor is treated as before. So, can I conclude this? The tourism sector need not worry
कि ऐसा तो नहीं कि अगर मैं घर को रूम बुक कराने जाऊं अपने कोई भी गेस्ट आ रहे हैं रूम बुक, ऐसा तो नहीं कि 5,000 रुपए 7,000 रुपए देना पड़ रहा है तो 15,000 रुपए देना पड़े, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। सर्विस सेक्टर पे 3% अगर ये टैक्सेस हमको जो लग रहा है कि टैक्सेस बढ़ा देंगे तो इनपुट टैक्स का भी फुल क्रेडिट। ओके, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस पार्ट बिकॉज दिस इज समथिंग, एक्सप्लेन मी दिस इनपुट टैक्स। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि पहले जो होटल थे जी वो जितनी भी मान लीजिए मशीनरी को परचेज करते थे या इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करते थे उसके ऊपर जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी लेकर आते थे, एक्साइज ड्यूटी पे करके आते थे, उनको उसका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। अब जितना भी इनपुट, जितने भी इनपुट चाहे वो कैपिटल गुड्स हैं चाहे इनपुट्स लेकर आएंगे, उनके अंदर जो भी एक्साइज का एलिमेंट होगा, सर्विस टैक्स का एलिमेंट होगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी का एलिमेंट होगा, उनको इनपुट मिल जाएगा। एंड गवर्नमेंट ने ये भी बेनिफिट दिया है होटल इंडस्ट्री को कि उसमें भी रेट स्लैब रखे हैं 5, 12, 18, 28% में कौन से होटल 7,000 से ज्यादा वाले हैं? ज्यादा वाले 28%। तो पर आप कह रहे हो कि इफेक्टिवली पहले वो लग्जरी टैक्स भी देते थे इसलिए वो इफेक्टिवली ज्यादा रेट नहीं बढ़ देते थे, पहले सर्विस टैक्स भी देते थे। अच्छा, तो अब खाली उनको जीएसटी पे करना है तो इफेक्टिवली ज्यादा रेट बढ़ेगा नहीं। किसी स्टेट में 40-30% तक लग्जरी टैक्स पेमेंट थी होटल के ऊपर। ओके, मैं एक लास्ट फ्रॉम आफ्टर से फ्रॉम द व्यूअर्स दैट यू सेड कैन यू जस्ट आस्क द लास्ट पेनल्टी क्वेश्चन। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन चल रहा है बट आई थिंक आवर ऑडियंस इज वेरी वेरी पॉलिटिकल इन नेचर और हमारे पास अभी फिर से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आज चुप है, क्या ये कपिल मिश्रा जी ने जो उनकी बोलती बंद की है इसलिए नहीं, अदरवाइज वो पूरी चीज समझा देते कि क्यों जीएसटी का प्रोटेस्ट जायज है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वही वाला क्वेश्चन वापस आ रहा है कि जब पहले बीजेपी ने अपोज किया तो आज क्यों और कांग्रेस आज क्यों अपोज कर रही है जब दे वर द वंस टू डू, तो इसके ऊपर अगर आप एक बिकॉज एवरी मूव इज पॉलिटिकल इन नेचर लेट्स एक्सेप्ट इट। अपोजिशन पार्टी हैज टू अपोज इन इंडिया। ओके, अपोजिशन व्हाटएवर इट इज, बट यू नो तिलक जी यू सेड दिस दैट ऑन इश्यूज ऑफ वेरी ग्रेट नेशनल इंटरेस्ट वेयर एवरीबॉडी इज टुगेदर देयर हैज टू बी सम मैच्योरिटी इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। मुझको लगता है कि देखो मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से मैं अपोजिशन को भी पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा, दिया ही गया है अभी इनफैक्ट बोले गए हैं कांग्रेस प्रिंसिपली इन प्रिंसिपल जीएसटी को कहीं अपोज नहीं कर जी, थोड़ा बहुत जो बहुत विरोध हो रहा है वो शायद टीएमसी से थोड़ा हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है कांग्रेस। ममता बनर्जी ने कहा है कि दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट। ये बात उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के समय भी कही थी, इसलिए उनकी कोई रेलेवेंस नहीं, मैं समझता हूं उनकी बातों की कोई सीरियसली लेता नहीं। ये हमको सब रिटोरिक के बाद पॉलिटिकल रिटोरिक के बाद भी सभी पार्टियों का साथ आना, सभी स्टेट्स का साथ आना मुझको लगता है देश के लिए बहुत जो है। तिलक जी अगर सभी पार्टी बहुत जो है हमको अच्छी बात है, पर ऐसा क्या वाज द राहुल गांधी फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर कांग्रेस बॉयकॉटिंग? पीपल से देयर वाज समथिंग ऑन ट्विटर, मनमोहन सिंह जी हैज बीन बुलडोज्ड बाय सोनिया गांधी जी इन ऑर्डर टू अपोज दिस एट 12 o'clock। डू यू कंक्लूड दिस? मुझको लगता है कि अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन है। यस, मनमोहन सिंह हु वाज वन ऑफ द कांग्रेस भी और कांग्रेस के नेता भी अंतर मन से जीएसटी का विरोध न तो करते हैं और न करना चाहते हैं। पॉलिटिकल एक पोस्चरिंग है, ये पोस्चरिंग है, ऐसे पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। आपको लगता है कि इनके खिलाफ जाएगी? मुझको ऐसे विल इट गो अगेंस्ट द कांग्रेस, वो समय तय करेगा उसको। यू वांट टू आंसर, यू वांट टू प्ले, यू वांट टू प्ले सेफ। यस, आई एम सेइंग क्या ये कांग्रेस के खिलाफ जा सकती है? आई थिंक यस, बिकॉज़ क्योंकि मनमोहन सिंह इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो नहीं आ रहे। I was expecting him to be in this today's program. But Congress अगर oppose कर रही तो मुझे लगता है कि वो तो एक चलो एक for the sake of opposing जैसे आप अभी हाँ, तो in fact Congress दिल से oppose नहीं कर रही है। दिल से अपोज नहीं कर रही, दिमाग से अपोज कर रही। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी आप इस पे क्योंकि मुझे बताया गया है, मेरे को बताया गया है कि आप कांग्रेस भी लेके आना चाहती थी जी, कांग्रेस ने काफी पहल की थी जीएसटी के लिए,
तो तब बीजेपी अपोज कर रही थी, तो दिल से अगर वो चाह रही थी तो लेके आने नहीं चाहती जी। आज लेकिन अपोजिशन में है तो कुछ चीजें अपोज करनी है बोल के बातें हैं, उनका कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं कि रेट हमारे हिसाब से नहीं हुआ ये कुछ कुछ चीजें उनके मन में है, लेकिन जीएसटी ओवरऑल अपोज नहीं कर रहे। दुख होता है कि जब ऐसी चीज होती है जो देश सबके हित में होती है, पर पॉलिटिकल मैं कहता हूँ कंपल्शन ऐसा दिखा हमेशा प्रतीत कर किया जाता है कि अपोजिशन है, फिर आम आदमी सोचेगा। मुझको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो नरद जैसी है, उसको गुस्सा किसी और बात पर है और शादी में वो बेटे की शादी में रहती है और उसमें रूट कर बैठ जाती है। कांग्रेस आज के दिन में जीएसटी का सक्सेस जो है जीएसटी इनके हाथ में है। अगर हमारे जीएसटी इनका सपोर्ट सिस्टम सक्सेस हो जाता है तो जीएसटी एक बहुत ही अच्छी चीज है हमारे देश के लिए। एक पोखरण का कोई हमारा कोई चीज क्या है, क्या मैं इसको इकोनॉमिक पोखरण कह सकता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स अकाउंट में कहना चाहिए मुझे लगता है कि ये उससे बड़ा बदला नहीं चली आप पेपर की हेडलाइंस में देखेंगे और एडिटोरियल देखे जाना चालू हो जाएंगे, हैज द जीएसटीएन नेटवर्क फेल्ड इन इंडिया, हैज द आम आदमी बीइंग फेल्ड, this is also very big fear. Let me tell you one thing, you should also like towards the closing end to make this debate complete, let's just also talk ki kahan loopholes aa sakte hain. I will take that question main aapko is question pe kuch kehna chahunga, ek second, let bilkul main isko lena chahunga, very good point Akhil, thank you. कहाँ पे लूपहोल्स है वो है हमारे माइग्रेशन जो कि 8th of November 2016 से स्टार्ट हुआ, बल्कि अभी 25th को दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुले हैं, तो अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस बिकॉज़ ट्रिलियंस ऑफ इनवॉइसेस विल बी अपलोडेड ऑन जीएसटी, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आलोक जी। नहीं, इनवॉइस का मेनली द डेटा जो आएगी ये टेस्टेड डेटा नहीं है। आज की दुनिया में इतना बड़ा डेटा प्रोसेस करने के लिए कहीं भी टेस्टिंग नहीं हुई है, और इतना बड़ा डेटा अगर हम सक्सेसफुली इसको जो हिसाब से जीएसटी का कंसेप्ट है उसके हिसाब से अगर हम प्रोसेस कर पाते हैं तो हमें जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। डेटा इज अगेन व्हाट यू आर सेइंग तिलक जी, मुझको लगता है कि जो सबसे बड़ा जो लूपहोल है जो जो ग्रे एरिया मैं समझता हूँ कि सरकार के सामने चैलेंज है कि इस जीएसटी का गलत उपयोग कर कर इन्फ्लेशन ना बढ़े, डेटा की मैनेजमेंट हो सकता है कि हम उसको मुझको लगता है कि देश सक्षम है, हमारी आई टी इंडस्ट्री सक्षम है, उसके ऊपर हम ओवरकम सूनर और लेटर कर रहे हैं। मैं आज के दिन में जीएसटी के साथ अच्छे से क्लोजली जुड़ा हूँ, मैं खुद भी एक एएसपी हूँ, जिस हिसाब से एपीआई गवर्नमेंट रिलीज करती है विदड्रॉ करती है, अभी भी हमारे पास पूरे गवर्नमेंट की तरफ से एपीआई नहीं आई है, तो इसका मतलब डेटा हैंडलिंग और जो हमारे डेटा हैंडलिंग एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको लगता है कि डेटा हैंडलिंग हो जाएगी, आपकी तरफ से चैलेंज है इन्फ्लेशन हो सकता है चैलेंज, राइट? इन्फ्लेशन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 1 जुलाई को गवर्नमेंट जीएसटी ला रही है ना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एडमेंट है, आई टेल यू वन थिंग, ये एडमेंट का रीजन है रीजन ये है कि जैसे आप डेटा की बात कर रहे हैं कि अगर कहीं जीएसटी के पोर्टल पे कुछ टेक्निकल कुछ बग ना आ जाए तो गवर्नमेंट के पास समय नहीं बचेगा। अगर आज इसको लोगों के कहने पर अगर इसको 1 सितंबर तक मान लीजिए ले जाती है तो उस समय सरकार के पास सिर्फ 15 दिन बचेंगे। अगर आज गवर्नमेंट लेके आती है, अगर मान लीजिए कोई जीएसटी पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो गवर्नमेंट कैन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ दे कैन हैंडल इट, सो दैट्स वन ऑफ द रीजन। छोटी सी बात मैं इस पे सप्लीमेंट करना चाहता हूं, वो आलोक जी का जो जो कंसर्न है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एड्रेस करती है कि देश ने जो है बहुत बड़ा एक टेस्ट पास किया है। हमारा पूरा जो डायरेक्ट टैक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो पहले मैनुअल स्ट्रक्चर जी, असेसमेंट्स, प्रोसेसिंग, टीडीएस, रिफंड सब मैनुअल हुआ करते थे और टैक्स बाबूज बहुत पैसे भी कमाते थे, उसमें बहुत सारा जो है वो भ्रष्टाचार भी होता था। तो
उसको भी देश ने सक्सेसफुली किया सर, उसको करने के लिए देश को 6 से 8 साल लगे। तो ये भी मैं कहूंगा कि सर इसको भी करने के लिए, लेकिन हम 6 से 8 साल तक जीएसटी के लिए डेटा प्रोसेस के लिए वेट नहीं कर सकते, पर हमने इसकी तैयारी जो है काफी टाइम से बड़े स्तर पर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं भ्रष्टाचार का आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, आजकल डर ये है कि ऐसा ना हो कि जीएसटी आने के बाद जो सर बाबू बैठा है इनकम टैक्स के अंदर, अगर उसकी अभी 1 करोड़ की रिश्वत ले रहा है वो, तो 10 करोड़ की रिश्वत देना चालू कर दे, क्योंकि बहुत सारी जो पावर्स दी गई है लोकल टैक्सेशन अथॉरिटीज को, काफी डिस्क्रिशन दिया गया है इसमें, अरेस्ट की पावर, अरेस्ट की पावर दी गई है। तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि जो छोटे लेवल का भ्रष्टाचार, जो आम लोगों को जो भ्रष्टाचार सामना करना पड़ता था, क्योंकि अब जो है वो टैक्स पेयर्स का और अधिकारियों का जो जो इंटरफेस है वो बहुत मिनिमम होने वाला है। बहुत मिनिमम होने वाला है, जितनी भी जो स्क्रूटनीज हैं, ऑडिट्स हैं, वो बिल्कुल जो है रिस्क बेस्ड जो साइंटिफिक मेथड पर होने वाली है। तो बहुत थोड़े लोगों का जो है वो स्क्रूटनी असेसमेंट होने वाला है, बाकी सारा जो काम है वो कंप्यूटर में ही करना है। इवन 90% रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपके पास इंस्पेक्टर विजिट नहीं करेगा। सो द इंस्पेक्टर विजिट विल रिड्यूस, इट इज रिड्यूस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इमेजिन इन अ सिनेरियो दैट देयर इज अ मीन अब्यूज ऑफ पावर बीइंग यूज्ड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर, सो द कोर्ट्स आर द प्लेसेस टू गो, और इज देयर अ सेपरेट अपीलेट अथॉरिटी? विच इज अपीलेट अथॉरिटीज आर देयर, देयर आर प्लेसेस, देयर इज जीएसटी, ओके जीएसटी इज देयर, ओके फाइन। Sure. So I will now, I'm just closing in the last 7 minutes of this discussion. Now I'll take very specific questions. I just want pointed answers to it. I'll just take, anybody can choose to answer. The first question, are there questions online which have come up? Right now we've addressed the questions. Yeah. Right. The first question is, what is the difference between VAT and GST? That's the first question which is being addressed. Anybody sir, in one line? Yeah, VAT was only on the sale of product and not even the product as well as services. Yes. Supply. GST is on supply. GST. Yeah. So GST is on supply, that was basically sales. Sales and purchase of goods. Okay, yes. So it was on sale. This is only on supply. Yes. What is it? In addition to that, VAT is a state levy. Okay. But GST is center plus state board. Okay. So what sale is also a type of a supply? No. Sale is one of the supply. Actually, but supply is much larger. Correct. So it's on a larger one. Fine. I will now which is the first state in India to ratify the GST? Arunji? Anything? I think Assam was the first state. Okay. We've answered who shall be the members of GST Council. Answered okay. For how many years will the state government seek compensation for loss of revenue arising on account five, of five, five, five years? Five years. Okay, fine. How much additional tax can the center impose on the interstate supply of goods for 2 years or more? Any additional supply? No. Nothing more than the rates. What is the exemption threshold under the GST? 20 lakhs. But for special category states like Uttarakhand and Jammu and Kashmir, Manipur, Assam, okay, so that is 10 lakhs. Jammu and Kashmir is not ratified GST, right? Till date. Not? So this is again which comes to the question, right? When we talk about Jammu and Kashmir, I believe, Tilakji, and this is my belief, that it is already written in the constitution under Article 370, sure, that JNK have its own law. But agreed, but JNK is an integral part of India. Yes. If JNK is an integral part of India, we have to move out of that psychology of Article 370, where you can, till the time we do not do so, how can the rest of the country be treated differently and JNK be treated differently always? I disagree with Jammu Kashmir, agar is GST ke jo chahte hi nahi hai dil se agar nahi chahenge to mujhko lagta hai ki usme Jammu Kashmir state ka nuksan hoga par antata jo hai Jammu Kashmir sarkar ko शामिल होना, परंतु क्या ये एक स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी पॉपुलेशन को एलिनेट करना चाहते हैं, आपको अलग नंबर दे रहता है कश्मीर जाने के लिए? दिस इज माय बिलीव दैट वी हैव टू गो अवे फ्रॉम आर्टिकल 370 स्ट्रैटेजी जम्मू कश्मीर चाहती है अपना प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो भी जीएसटी में मर्ज कर दिया जाए, वो अलग से रखना नहीं चाहती अभी तक लेटेस्ट। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेल थॉट ऑफ थिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ जेएनके इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर पॉलिटिकल, हालांकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़े दिन पहले चिट्ठी भी लिखी है उनको। आई थिंक इट्स अ वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी। लेट मी गो ऑन टू दिस।
So is there any exemption on the basis of area under GST? No basis. Okay, how long will it take to register under GST? 30 days. Right now, the registration process after GST will be completed in only 72 hours. Maximum. It takes 1 month. Please, the people, the detractors of GST, take this on record. People like Supriya Mukherjee who say that GST is bad. 30 days is something which was taken initially. Now it is something which is taken only 72 hours. That is something which and should in work. Addition yeah. to that, that registration certificate will be for CGST, SGST, and IGST all. Okay. Yes. So yes. all is one is no different certificate. No different certificate. Yes. Okay. One. Okay. I want you to go to the next question. Sorry, I just have 4 minutes to go. I want to complete the question and conclude the discussion. With 0% GST items, is it necessary to register for GST even if the turnover crosses rupees 20 lakh? No, not at all. If I have a business whose turnover is crossing 20 lakh, if you want to take a benefit of your input tax, then you can take it. It's optional. So at any time I want to take benefit of input tax credit, I need to register under GST. Correct. That is something which is necessary. It's entirely on you. Because you're not liable. What will you advise as a CA? No, it depends. You are being diplomatic, not answering the question. No, it's a case to case. Case to case? Yes. They cannot be. How much is the input? Okay, fine. Let me go to the next question. What can a new when can a new taxpayer apply for new registration under GST, madam? Within a period of 30 days. From the day you become liable to pay tax. Okay, so what if I do not apply for GST? Then in that case, you will lose your ITC. And you'll have to pay taxes on your output. Right. Okay. Yes. You'll also have to take taxes. There are proper. And the government will get to know about it. And you have a penalty for There's a Rajneesh Singh's question. Are the government officials ready to implement and take all the. Let the government answer this question. But the claim of the government is that they are. They are. Okay. They are saying, okay, let me go to the next question. It has to be tested. Yes. Okay, fine. So, what are the major, I've answered the chronological. How will IT be used for implementation of GST as specified by the GST? So all IT is driven by IT. So and IT alone. So can we say that this is another shining spot in the power of Indian IT industry? Absolutely. Can I say that? Definitely. No, okay, there is, Subramanian Swamy had raised this that GSTN network, there is a company which is being given the contract of GSTN network. Infosys. But there is some foreign hand involved in it. Is that concern valid? Has it been addressed? Because he said that GST network, I can quote it. He definitely has raised a concern. Yes, he's raised and written to the Prime Minister also. Which government should look into and see if it requires any changes, it must be done. Okay. Because GSTN must be under 100% control. Totally Indian environment. So that's what you are in a secured environment. Only operational issues you can outsource. Okay, operational you can control. Not the control. So again, Mr. Subramaniam Swamy's plea here is also people are getting support that yes, the control of the GST network should be with the central government, should be with the government of India, not any private entity or any council. Let me go to last few questions. What are the what are the major features of the proposed returns filing procedures under GST? Everybody can give one feature. What are the major features of returns for goods you will have to mention HSN code and for services you will have to mention SSE code. Okay, sir. And almost all the data except everything is auto-populated. So you don't have to punch in again and again. No punching again. Before filing the final return for every month, it has to be preceded by a reconciliation of your purchases with sales, corresponding sales. Okay. So there has to be, all data would be matched before that. Okay. And when you file the final return, it would be final return. Okay, final return is final return, no going back to correct. No any revision of the return. No revision. And the government has not prescribed any format. Okay. You can devise your own format. Invoice. Okay, invoice you can devise the bottom line, it should be matched. There are certain features which must be inserted in that format. Okay, certain format is my own. Yes. You can customize your format. Government has not prescribed the invoice format. Yeah, okay. It has prescribed the particulars which have to be
incorporated. Which are those particular? There are a lot of approvals. What is the name? At least they have 40 about it. Okay, but the format can be my own. Yes. Okay. Where is the power to levy GST derived from? From the constitution? Article 246A. 246A is the thing which is there? Yes. Okay. And 366-12A. Okay. Yeah. What are the major features of this 122nd Amendment Bill? That's the there's a constitutional amendment bill with respect to GST which was passed in the parliament. Can you repeat the question? The bill which was passed in the parliament which led to enactment of GST, the constitution amendment bill, 122. I want every part. 101. Yes. And so there's the wrong that the viewer has said, 122 or something else. 120 was the bill earlier. Sure. Earlier bill which was taken back. Okay. It's and the final. Enactment was 101. True. So I'm just asking about the Constitutional Amendment Act. Can you just tell us the one stark feature which you find about it? Anything which you want to point out? No, nothing. Wait, both the union and the state ceding their power. That's right. And coming on a common platform. Okay. Last question here. Whether supplies made without consideration will also come within the purview of supply under GST. Those supplies which are in Schedule 1. Yes. Yes. Those supplies which are in Schedule 1 of the Act, even if they are without consideration, yes. the tax would be attracted. Yes. Under import of services, if a person is importing services without consideration but for business purpose, in that scenario, GST is applicable. Okay, so if it's services is part of Schedule 1, right? So Schedule 1, everything will be. Yes. All transactions, all activities which are listed in Schedule 1, even if they are without consideration, it attracts GST. Perfect. Okay, so now I'll be ending this and I will give every of my panelists 15 to 20 seconds and after that I'll slip to other person. Yes, it's just 2 hours since, it's exactly 2 hours and 4 minutes, 3 minutes in fact, after which the GST will come. Your final take to the viewers of India, the people of India, Hindi mein baat kari, Angrezi mein baat kari, aap kya message dena chahenge GST ke respect mein? 20 seconds. Let's celebrate GST. And we should be positive and optimistic for GST as it is one of the single biggest indirect tax reform all over India since independence. Thanks, Sunil. Arun ji. आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है. GST से सभी का फायदा है. हमारा देश का विकास होगा. बाहर के इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे कंट्री में. आज के दिन में इतने जो टैक्सेस आपको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे वो बहुत कम हो जाएगा. डाउन द लाइन GST सबके लिए एक फायदा ही की बात है. ओके. तिलक जी कुछ फिलोसॉफिकल हो जाए. मैं GST के बारे में इतना कहना चाहूंगा, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. आई एम वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दैट बेल विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी रिंगिंग टुनाइट. एंड एज फार एज प्रोफेशनल्स आर कंसर्न्ड वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड. I mean, we are getting a lot of. I will also tell my grandchildren. yes. Absolutely. And as far as from consumer point of view, I tell you, they will be definitely their product will be cheaper. And from the government point of view, I tell you, their kitty will be bigger. And from the business point of view, business people point of view, I mean, there will be initial hiccup. But I think gradually they will learn all those things. GST will remove the unemployment. Okay, it will reduce the unemployment. I believe there are more than 1 lakh employment which will be created because of GST. This is something expected to happen. I think it will be more than that. GDP 2%.